इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में नदी में नहाते समय 7 लड़कियां पानी में डूब गई और सभी की मौत हो गई है। जी आपको बता दें, मामले की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया। गोताखोरों की मदद से सभी को नदी से निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। शवों को कुड्डालोर के अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कुचिपलयम के पास गेडिलम नदी पर बने चेक डैम पर 7 लड़कियां नहाने गई थी। इसी दौरान वे डूब गई। इसी दौरान नदी में नहाते समय 2 लड़कियां गहराई में चली गईं। जब वे डूबने लगीं तो मदद के लिए चिल्लाई। लड़कियों की आवाज सुनकर अन्य लड़कियां उनकी मदद के लिए उनकी ओर बढ़ी, लेकिन वो भी डूब गईं। पानी में डूबने से 7 लड़कियों की मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से लड़कियों की तलाश की गई। इस दौरान सभी लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शवों को कुड्डालोर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने पर राज्य के कृषि मंत्री MRK पनीर सेल्वन अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।